हेलो नमस्कार मित्रों, बाल बहुत बड़े हो गए हैं, कटवाने कुटवाने का हो गया है सीन। पीछे का आप देख रहे होंगे जामड़ जोड़ देख करके कि क्या सीन है। सीन यह है कि हम लोगों को घर शिफ्ट करना पड़ गया था, वैसे भी करना था और दूसरा भी रीजन था। बेसिकली हुआ यह है कि ड्यू टू सम फैमिली रीजंस मेरे को और चित को अलग रहना पड़ेगा, मेरे फैमिली रीजंस की वजह से। तो हम लोग मकान देख रहे थे, अर्जित को मिल गया क्योंकि उसके पास में टाइम था, तो उसने पूरा 15 दिन बैठ के रिसर्च किया, फिर जाके उसको ये रूम मिला। अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो मे भी वो चेंज करे। अभी मैं उसके रूम पे हूँ, सारा सामान मैंने शिफ्ट कर लिया। मैं देखता हूँ अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर रूम नया और फिर वहाँ शिफ्ट करूँगा। तब तक हमें यही रहना पड़ेगा, मेट्रो पे रहने से तो अच्छा ही है। बाकी चलो चलते हैं, अभी खाना पीना खा के आएंगे बाहर। और हम अभी हैं मयूर विहार में, आपको दिखाते हैं मयूर विहार कैसा है। लेट्स गो। चलो भाई, हमें तो ठिकाना मिल गया अपना, यहीं पे आए हैं कॉफ़ी काफ़ी पीने के लिए। बाकी पिज्ज़ा हट वगैरह सब यहीं पे है। मेरा मन कर रहा है मैं इसी साथ रह लूँ वापस से। क्यों 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 हमारी नज़र जा रही है इधर, यहाँ मिल रहा है ब्लूबेरी लाइम सोडा, सब भैया बना रहे हैं बिल्कुल बारटेंडर की तरह। चलो देखते हैं कैसा होता है, इनके हिसाब लग रहे हैं। आज बेचारे का लॉस हो गया 62,000 का। हाँ 50 का तो यहाँ मिल रहा है। 62 क्या 62? ये iPhone 30। हाँ हम एंड्रॉयड वाले हैं, ज़रा दूर हो जाते हैं। ये क्या मुझे अवतार का टॉयलेट दे दिया है, बट कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। अब चलो पीते हैं और आगे बढ़ते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए। बड़ा क्यूट सा लग रहा मगर ना, ऐसा स्काई ब्लू टाइप का, उसके ऊपर ग्रीन लीव्स। चलो अब बहुत हो गया बकचोदी, चलो बाय। ये रहा चाइना टाउन हमारा, ठीक है, यहाँ पे मेरे घर में। मुझे कहीं से भी दिल्ली लग नहीं रहा, सर यूपी लग रहा है। ऑटो जा रहे हैं हमारे, सब गाने बजाते हुए भर्राटे से, और सब बकचोदियाँ हो रही हैं। यस कर, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो जी, तुम्हें डेट पे लेके चला जाए, पता क्या खाओगे? बस फ्राइज, चीज़ी फ्राइज, पिज़्ज़ा फ्राइज, तंदूरी फ्राइज, मशरूम फ्राइज, परी परी, क्या खाओगे बताओ? जब स्टूडेंट हैं, घर से पैसा आता है, तो हम थोड़ा चीज़ी फ्राइज ही देख लें तो भी ठीक है। बाकी चलो सुनाई दे जाए तो ठीक है, नहीं तो काट दो मैं पार्ट को, थोड़े से एस्थेटिक हो जाए। इस भाड़े में से सबर नहीं हुआ, देखो और ये देखो ये क्या दे दिया, जो भी बड़ा क्यूट सा लग रहा है। टेम्पटिंग टेम्पटिंग, उस प्लेट में महावारा छिट रही है और इस प्लेट में सारी की सारी मेहनत कर दी है इधर। रायता नहीं है वो, गोल रहा उसे क्या कर रहा है। तो उन्होंने ढंग से ना वो करके नहीं दिए, तो ये खुद से ही कर रहा है, उसमें चम्मच से बैठ कर गया ज्यादा। पर बीच में ये हगने की क्या जरूरत थी? कौन सा कबूतर था जो इस पर कर गया अपनी हरकतें? और चलो कोई नहीं, पी लेंगे 80 भी। कुछ तो बना दिया मैंने इसका, ये देखते हैं क्या होता है, क्या क्या हरकत करके बैठी है। अर्जित का नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया ओनर से। नाम तुम्हारा था, नंबर यार
ऐसी जगह पर निकनेम थोड़ी यूज करके प्रोफेशनल नाम यूज करना पड़ता है भाई। सही तो नाम यूज किया उसने, सजेशन रिव्यू कुछ ढंग से नहीं दिया। सजेशन में डाल के आइए प्लीज पुट मोर मिल्क इन कॉफी। हाँ ये अच्छा था, अच्छा रिव्यू था ये कि पहले गर्म दे दो ठंडी हम बाद में कर लेंगे। बहुत सही। तो नहीं तो यही लिख देते कुछ नहीं तो एटलीस्ट रूम टेम्परेचर से ज्यादा गर्म दे दिया करो, उससे कम तो मत दो। हॉट कॉफी ले रहे तो हमने जानबूझ के हॉट कॉफी ली थी क्योंकि हमको गर्म चाहिए था, ठीक है। उन्होंने हमको कोल्ड कॉफी पकड़ाई है, हॉट कॉफी करो। नहीं नहीं अब फोक गिर गई। सब कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, सब कुछ बता रहा हूँ। ये जगह शार्प है तो हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्द से जल्दी, नहीं निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलो ये लोग आ रहे हैं, मैं चल रहा हूँ आगे आगे। ओके जस्ट के बाद आज का दिन ख़त्म होता है यहीं पे। और मेरे 8000 स्टेप्स थे रिकमेंडेड, 10000 हो चुके हैं क्योंकि आज घुमा फिरी बहुत हुई है इस वजह से, अदरवाइज मेरे 3000-4000 ही होते हैं, ठीक है नॉर्मल डेज में। और आज क्या करना है, आज अब सोना है, कल सुबह उठ करके मेरे को फिर से रूम देखने के लिए जाना है अपने लिए। तो कल सुबह मिलते हैं, इसे करते हैं कि यहीं ख़त्म, कल सुबह बात करेंगे, ठीक है बाय। अरे ये खोलेगा ना यहाँ, देखो ये सारा दूसरों का वाईफाई पासवर्ड निकालने की कोशिश कर रहा है। जो भी है मेरा भला होगा, मुझे भी मिल जाएगा वाईफाई। आई ट्राइड स्लीपिंग बट आई कांट। तो हम खाएंगे जे जो भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं इसको, बेल्जियन का कुछ खाने का सामान है। हम इसको खाएंगे, ठीक है लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। द नेक्स्ट डे तो क्या क्या खरीदना, मैनीटर मॉनिटर कितने का मिल रहा है, मॉनिटर 27 इंच मिल रहा है, फुल एचडी एचडीआर 10 के साथ, 144 हर्ट्ज एलजी अल्ट्रा गियर। प्राइस बताएगा कॉल है, 13 तो सही है यार, बट फिर अभी उतना पैसा है नहीं है मार्केट में। कितने का? 29000 का। अभी पे उतना पैसा है नहीं पे अभी, अरे लंडा अमीर हूँ वो थोड़ी के, कुछ नहीं है भाई जेब में रखा अभी। ई एम आई वीएमआई का सिस्टम है तो बता, पर ई एम आई में वही है यार, इंटरेस्ट पे करो फिर। ई एम आई पे नहीं होती भाई, भाई ना ऊपर से इतनी छोटी चीज तो बिल्कुल भी नहीं, 50000 से ऊपर तो बात हो कुछ। 13 कैसे होगा भाई, 13 कैसे सेव होगा, 13000 मॉनिटर के लिए मुझे लेना तो पड़ेगा मॉनिटर, क्योंकि वो खराब हो गया, वो साल में 60 FPS भी नहीं दे रहा वो, क्या किया जाए मित्रों, पैसा दे दो पैसा। तेल लगा के लेट पैसे कैसा होगा, अरे हाँ ऐसे तेल लगा के लेटने से पैसा मिल रहा होता तो हर कोई भी लेट जाता, वैसे मिल तो जाता है मिल तो जाता है वैसे। तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ रुको, यहाँ साले यूपी बोर्ड के बच्चे रहते थे, एंचतनी क्या क्या लिख के चले गए यहाँ पे, ये देखो हरा नीला पीला नारंगी भूरा गुलाबी बैंगनी, ये क्या खेला पता नहीं इन्होंने, साले यही खेलते थे क्या चोर पुलिस। ओ भाई यहाँ का व्यू देखो, ये हमारी मरीज लेटी हुई है, दिखाऊंगा नहीं इसको, गेट खोल दे नहीं खोलो बंद कर, हल्ला आ रहा है। ये हमारी सुशील छोरी सो रही है यार, प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अभी जाना है यार, ओह सॉरी यहाँ का बल्ब निकाल दिया है तो अब ऐसे ही करना पड़ेगा।
बस कुछ नहीं कर सकते, तो हमको देखने जाना पड़ेगा रूम। अभी चलते हैं कुछ देर में, ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि आज में हो पाएगा, बट अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा मेरे लिए। तो चलो चलते हैं, बाय। कोम बट वो नीम वाड़ी है, लकड़ी वाड़ी है, और वो मेरे को जिसने दिया उसने बोला है कि सिर्फ सूखे वालों पे चलानी है, और तो चीटिंग चलती है। चलो खोपड़े के पर मौजूदा बाल भी सेट कर लिए जाएं, फिर चलते हैं, बाय। Few moments later. Okay, तो मेरा ये बैठ रहा है हिसाब किताब कि जो मकान मेरे को यहाँ पे मिल रहा है वही सेम मसड़ी के वही सेम मकान मेरे को करोलबाग मिल रहा था 15-16 हज़ार का, ठीक है, और वो भी 1 आर के, यहाँ मुझे 1 BHK मिल रहा है अराउंड 8,000 में, दो इट्स अनफर्निश्ड, मेरे को फर्निश करने में रेंट हो मुझे उसे मैं रेंट ले सकता ऑन रेंट फर्नीचर खरीद सकता हूँ लाइक बेड एंड अलमीरा टाइप्स, तो इट में कॉस्ट में अराउंड 2,000 बेड अलमीरा एंड टेबल एंड ऑल को मिला करके, तो मेरा यही 8,000 का जो मकान है वो 10,000 में बैठेगा, एंड दैट्स स्टिल प्रॉफिटेबल फॉर मी क्योंकि मयूर विहार से रेलवे स्टेशन एंड बस स्टेशन नोएडा एंड मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से पास में है, तो मेरे को सब कुछ क्लोज पड़ेगा, प्लस यहाँ पे पास में ही जितने भी फूड जॉइंट्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, यहाँ डेली मार्केट लगती है। इस तरीके की सारी चीज़ें हमको पहले एनालिसिस करनी पड़ती है रूम लेने से पहले, क्योंकि 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 आई कैन टेक रिस्क इफ़ आई एम अर्निंग राइट नाउ, इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं पापा मम्मी से पैसे ले रहा हूँ तो मैं अपने रिस्क पे लेकर के पैसे खर्च नहीं कर सकता, ठीक है, और अगर मैं खुद भी कमाता तो मुझे खर्च नहीं करना चाहिए फालतू का, सीधी बात। तो आई एम थिंकिंग कि मुझे उस मकान को कन्फर्म कर देना चाहिए, तो आधे घंटे में कंफर्म करके फिर उसके बाद में शिफ्ट करके फिर हम इस मकान से जुदा हो जाएंगे और चलते हैं। चलो बाय, अभी मिलते हैं, लेट्स गो। ओके, तो रूम हो गया फाइनल बहुत मशक्कतों के बाद में, मतलब मैंने तो फिर भी बहुत कम मशक्कत करी है, अर्चित ने तो 15-20 दिन देखा था, उनको फिर भी हल्के में पड़ गया, बस वही चीज़ है। रूम हो गया फाइनल एंड उसका रेंट आ रहा है 8,000 रुपये, इट इज़ नॉन फर्निश्ड वन, सो मेरे को उसके अंदर फर्नीचर वगैरह सब कुछ रखना पड़ेगा, जो कि मेरे को पड़ेगा अराउंड 10,000 पर मंथ, 2,000 ऊपर पड़ेगा। आई एम थिंकिंग कि मैं जो कि है फर्नीचर खरीद लूँ, ठीक है, लाइक बेड एंड अलमीरा। द प्रॉब्लम हेयर इज कि जब मेरे को यहाँ पर ज़्यादा टाइम रहना नहीं है, लाइक मान लो चलो 1 साल भी रहना है, ठीक है, अगर 1 साल भी रहना है तो भी मेरे लिए वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है, कि मैं ऑन रेंट ले लो, क्योंकि फिर मैं कहाँ ढोता फिरूँगा, देखते हैं, खरीदना होगा तो खरीद लेंगे, क्योंकि अगर ले जाना होगा घर पे तो उठाएंगे गाड़ी और भिजवा देंगे घर पे, जाना होगा तो अदरवाइज नहीं, एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज तो उठानी पड़ेंगी, बस वही चीज़ है, एक बेड, एक अलमीरा और फ्रिज, देखता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज दोस्त कब काम आते हैं। चलो बस वही चीज़ है, बाकी आज अपडेट, भूख लग रही, कुछ खाता हूँ, भूख लग रही बहुत ज़्यादा।